ध्वज, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो ये जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि पुष्कर एक तीर्थ स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, इसके अलावा पर्यटन की भी नगरी मानी जाती है, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुँचे हैं, पूजा अर्चना करेंगे, 20 मिनट तक करेंगे, तो इसका महत्व, ब्रह्मा मंदिर का क्या महत्व है? देखिए, दुनिया में पहला ब्रह्मा का मंदिर है और यहाँ की जो पूजा होती है, अगर आप चार धाम की यात्रा भी करते हैं तो अगर ब्रह्मा मंदिर में नहीं आए तो ये यात्रा पूरी नहीं मानी जा सकती। इस तरीके का इसका महत्व है और इसको लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, तो ये एक जो उनकी तरफ से एक संदेश है जो राजस्थान की जनता को कि क्यों वो यहाँ पहुँचे हैं, पुष्कर उन्होंने चुना है, ब्रह्मा मंदिर पर आए हैं और पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुँचे। उससे पहले जो है काफ़ी सालों बाद 22 साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार पुष्कर में आए, तो ये दौरा उनका अहम माना जाता है। यहाँ पर बही खाता, जी पॉलिटिकल माइलेज भी यहाँ से, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई दर्शकों को, एक बही खाता लिखा जाता है पुष्कर के इस ब्रह्मा मंदिर में, और प्रधानमंत्री मोदी के जो पूर्वज रहे वो भी आए, वो बही खाता उन्होंने लिखा, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ लिखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो उनका कार्यक्रम है ये बहुत शॉर्ट कार्यक्रम है, और पहले ही मंदिर आएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद तुरंत बाद यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये जो लिखने का, जो बही में जो लिखने का जो काम होता है वो सरोवर में होता है, तो सरोवर में जाने का इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, सरोवर नहीं जाएंगे, और उनके जो महंत है, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि उनके महंत हैं और पुराने पंडित हैं, उनका जो भी बही खाता है उनके परिवार का, उनके पूर्वजों का, वो रखते हैं, ये दावा उन्होंने किया है, और उनका भी ये मानना था कि एक बार प्रधानमंत्री आते और वो उनके बारे में उनसे मिलते और कहीं ना कहीं जो उनके बही खाता है तो वहाँ कुछ लिख के जाते, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ये बहुत शॉर्ट कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री यहाँ 20 मिनट की पूजा करेंगे और उसके बाद तुरंत बाद यहाँ से निकल जाएंगे, तो इस वजह से वो जो प्रधानमंत्री हैं जी नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ। बिल्कुल ध्वज, आप ये कह रहे हैं कि जो सरोवर वाला जो पूजा अर्चना होती है उस वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन बाकी 20 मिनट की पूजा अर्चना होगी। कुछ आपने पंडितों से भी वहाँ पर बातचीत की, उन्होंने क्या बताया किस तरह की पूजा होती है? देखिए, चार पंडित की जो टीम है वो यहाँ मौजूद रहेगी, और स्पेशल उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इलायची की माला स्पेशल तौर पर ही बनवाई गई है, और ये अपने आप में अनूठी माला है, ये प्रधानमंत्री को पेश की जाएगी, और उसके साथ साथ में जो केसरिया साफा है वो यहाँ पहनाया जाएगा, और पूरे मंदिर की जो एक बार जो पूरी तरीके से राउंड लिया जाता है, परिक्रमा की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा करवाई जाएगी। चार पंडितों की जो टीम है वो शुरू से यहाँ पर जो कल से यहाँ तैयारी कर रही थी, सुबह जो उन्होंने सारा जो 3 से 4 थाल है वो पूरी तरीके से यहाँ बना दिए थे, और उसके बाद में जैसा कि हमने बातचीत की उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा मंदिर की जो पूजा है वो 4 थाल लेकर जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पर बैठाया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री की दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे उस वक्त 2000 में प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और नरेंद्र मोदी की तरफ से पुष्कर में आए थे, वहाँ के पुरोहित बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी उस वक्त भी। देखिए, 2000 में आए थे प्रधानमंत्री, उस टाइम राष्ट्रीय जो है महासचिव थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी उस वक्त, और लेकिन ये जो बही खाते जो हमने दिखाए हैं टीवी चैनल पर, जो हम दिखा रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, ये बही खाते ये काफ़ी पुराने हैं, 70 साल के आसपास बताए जा रहे हैं, जब इनके पिताजी यहाँ पर आए थे अपने परिवार को लेकर, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ जानकारी दी थी कि उनके इतने बच्चे हैं और तमाम जो इनके भाई हैं और बहन हैं उन सबका नाम यहाँ लिखाया था, और ये जो नाम जो कि पंडित बता रहे हैं, जो कि यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने अपने बही खाते में बताया, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ये जो 70 साल के आसपास की जो लिखी हुई जो बही है वो उन्होंने दिखाई है TV9 के सामने, और ये बताया है कि ये जो बही है उनके परिवार के द्वारा दी गई थी, और इस बही के द्वारा ये पता लगता है कि उनके पूर्वज कौन कौन थे, यानी कि जो PM के जो पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके परदादा जी, उन सबका नाम इस बही के अंदर लिखा हुआ है, तो ये जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, उसके साथ साथ में ये जानकारी दी है दर्शकों को कि 2000 में जब PM आए थे और PM जब 2000 में आए थे तो यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और जो पुष्कर का जो सरोवर है यहाँ भी उन्होंने पूजा पाठ की थी, तो आज का जो दौरा है काफ़ी अहम माना जा सकता है। आज का दौरा अहम भी है, लेकिन एक संदेश भी देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री खुद, देश का प्रधान खुद जब इस तरह की पूजा अर्चना करता है तो लोग जुड़ते हैं, लोग और ज़्यादा जुड़ते हैं।